आरजेडी बोलेगी, आरजेडी का कोई मतलब ना, वो तो भ्रम फैलाने का काम है, झूठे वादे की बुनियाद पर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें बीते 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें एनडीए ने बहुमत के साथ 125 सीट के साथ बिहार विधानसभा में जीत दर्ज की है और बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। तो वहीं विपक्ष जो कि महागठबंधन है, महागठबंधन 110 सीट पर ही वो सिमट कर रह गई और महागठबंधन को हार का स्वाद चखना पड़ा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर को आज मुख्यमंत्री के आवास पर एनडीए के तमाम विधायक दलों की बैठक होनी है और वहां पर कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री आवास पर 12:30 बजे एनडीए के तमाम विधायक दलों की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री के आवास पर ये बैठक होगी और वहां पर मौके पर मौजूद रहेंगे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उससे पूर्व पटना के बीजेपी कार्यालय में आज खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पटना के बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। पहले से बिहार की धरती बोलती थी एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े। लेकिन आरजेडी बोल रही है कि आप लोग बैकडोर से आए हैं। आरजेडी बोलेगी, आरजेडी का कोई मतलब ना, वो तो भ्रम फैलाने का काम है, झूठे वादे की बुनियाद पर खड़े रहने की कोशिश कर रहा है।